दोस्तों, हाथरस की निर्भया, जी हाँ, यही नाम मैंने उस बहादुर लड़की को दिया है जो गैंगरेप केस में अपनी जान भी गंवा चुकी है। दोस्तों, जब दिसंबर 12 में दिल्ली में एक गैंगरेप केस हुआ था, बहुत ही विभत्स, तो ना जाने मीडिया ने, ना जाने किसने उस लड़की को नाम दिया था निर्भया। और अगर हम ध्यान से देखें तो वो नाम बहुत ही सही और सटीक था। उस लड़की की बहादुरी को हम आज भी याद करते हैं, उसको हम हमेशा याद करते रहेंगे, और उसे नाम मिला था निर्भया। तो फिलहाल हाथरस में हुए इस कांड में जो लड़की है उसको मैं नाम दे रहा हूँ हाथरस की निर्भया। एक बार फिर से गैंगरेप का एक केस चर्चित हुआ है। बहुत केस होते रहते हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर देती है तो थोड़ा लाइमलाइट में आते हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पाती, वो जहाँ जाने कहाँ खो जाते हैं। लेकिन इस केस के ऊपर मीडिया की फोकस आई है, उनकी नज़र पड़ी है और ये केस फोकस में आया है। नरेंद्र मोदी जी ने योगी सरकार को, योगी जी को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। योगी सरकार भी बिल्कुल एक्शन में आ चुकी है, और उन्होंने विक्टिम की जो फैमिली है उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी है, कंपनसेशन का ऐलान कर दिया है। ये भी खबर निकली है कि उनके परिवार को एक मकान दिया जाएगा और शायद एक सरकारी नौकरी भी। अफसरों को भी योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस केस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। मोदी जी की भी इस केस के ऊपर नज़र बनी हुई है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस केस में वाकई जो एक्शन रहेगा वो काफ़ी तेज़ रहेगा। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि क्या अंत में हम हाथरस की इस निर्भया को भी उसी तरह का इंसाफ दिला पाएंगे जैसा अधूरा इंसाफ हमने दिल्ली रेप केस पीड़िता निर्भया को दिलाया है। जी हाँ दोस्तों, 2012 का वो केस था निर्भया का, और आप याद रखें कि अभी मार्च 2020 में उस केस के अपराधियों को फांसी की सज़ा हुई है। तो लगभग 8 साल के बाद अगर न्याय मिल रहा है तो क्या उस न्याय को हम पूरा न्याय कह सकते हैं, या वाकई वो एक अधूरा न्याय है? और क्या हाथरस की अपनी बेटी को, हाथरस की निर्भया को भी हम अधूरा इंसाफ ही दिला पाएंगे, या इतनी लंबी लड़ाइयाँ होने के बाद, सारे देश के एकजुट होने के बाद भी हम इस लड़की को जल्दी और पूरा इंसाफ दिला पाएंगे? दोस्तों, ये टॉपिक बहुत लंबा है और आज का ये वीडियो सिर्फ इसका एक भाग ही है। इसके दूसरे भाग में बहुत विस्तृत तरीके से मैं इसके ऊपर आपसे बात करूँगा। ज़रूरी टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, ज़रूर जुड़िए, दोबारा आइए और देखिए।